है ना, तो हम लोगों के साथ हम लोग चुने हुए प्रतिनिधि अपनी आवाज नहीं उठाएंगे, हम विधानसभा में नहीं उठाएंगे, हाउस में भी उठाएंगे, बाहर भी उठाएंगे, विधानसभा के बाहर भी बैठेंगे, तो इसको ये तो हम लोगों का ये मौलिक आहनन है। बीजेपी जो है वो दबा रही आवाज को, अब वो तो आप खुद समझदार है, उसमें कुछ हमें बताने जरूरत है, इसका इसका हिसाब तो जनता लेगी। जो इसके बाद कुछ बड़ा करने वाले हैं बस खाली यहीं से आप नहीं, अभी तो कल जो भी पार्टी डर गए, कौन डर गए, हम लोग हाँ, मतलब आज इस तरीके से पुलिस का बल देख कर तो पुलिस ने आपको क्यों रोक लिया? अब उसमें अब ये तो अच्छी बात है, आप जनता के मुद्दे के लिए निकल रहे थे, यही तो लोकतंत्र की हत्या है। पुलिस लोगों ने लोकतंत्र की हत्या की, रोका और हम लोगों को लेकर के इको गार्डन में आ गए। बताया जा रहा था कि आप लोगों के पास परमिशन नहीं है अभय प्रताप सिंह जी ये जाने का, प्रदर्शन करने का। प्रदर्शन था ही नहीं, प्रदर्शन तो था ही नहीं ना, उसका कब रूप ही गलत है। शांतिपूर्ण धरना मात्र 21 लोगों का था। सलाम नमस्कार, मैं मोहम्मद सैफ और आप देख रहे हैं 24 तक न्यूज। इस वक्त मैं लखनऊ के इको गार्डन में मौजूद हूँ, हमारे साथ किसौली विधानसभा से विधायक ताहिर खान साहब मौजूद हैं, जो बढ़ती महंगाई को लेकर समाजवादी की तरफ से आज 21 लोग जो है वो प्रदर्शन करने वाले थे, यानी प्रदर्शन नहीं करने वाले थे, लोग शांति तरीके से जो है विधानसभा में बात को 21 लोग हमारे मुख्य सचेतक जी ने परमिशन बाकायदा ले रखा था जो है, और वो 21 लोगों को जाकर के शांत प्रिय ढंग से मैसेज देना चाहते थे आवाम को और प्रदेश सरकार का ध्यान आकर्षित करा करके, जो जो चरम बेरोजगारी है, जो बेरोजगारी है, महंगाई है, या महिलाओं का उत्पीड़न हो रहा है, या जो है धान जो अनाज है उसको सही तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रहा है गरीबों में, इन सब के लिए हमारा जो है गरीबों को लेकर के 90% कमेरा समाज जो गरीब लोग हैं, लाचार लोग हैं, जरूरतमंद लोग हैं, उनके लिए जो है हम लोगों की माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की आह्वान पे हम लोग आज जो है शांति ढंग से 21 लोगों का, उसमें कोई इस तरह का ये तो हनन है एक तरीके से। नहीं, प्रशासन की तरफ से ताहिर जी ये कहा जा रहा है कि कोई परमिशन नहीं था, और चूंकि ये हाई कोर्ट द्वारा जो है यहाँ पर प्रदर्शन करने का अनुमति दी गई, तो आप इको गार्डन में आइए। इसमें कोई मतलब वो बहुत बहुत बड़ा सैलाब का मामला नहीं था, 21 लोग 21 विधायक रहते हैं, वहाँ कोई प्रदर्शन नहीं था हम लोगों का, वो बहुत एक मैसेज देना था, सरकार का ध्यान आकर्षित कराना था, जो वो एक मैसेज देना था, तो वो एक तरीके से कहना देखा जाए तो संविधान के विपरीत देखा जाए ना, तो हम लोगों के साथ हम लोग चुने हुए प्रतिनिधि अपनी आवाज नहीं उठाएंगे, हम विधानसभा में नहीं उठाएंगे, हाउस में भी उठाएंगे, बाहर भी उठाएंगे, विधानसभा के बाहर भी बैठेंगे, तो इसको ये तो हम लोगों का ये मौलिक आहनन है। अच्छा, ताहिर भाई, आपको ये नहीं लगता है कि जिस तरीके से बंगाल में बीजेपी कार्यकर्ताओं द्वारा जो है आग के हवाले गाड़ियां कर दी जा रही है और आप लोग यहाँ शांति? ऐसा कुछ नहीं है, वो देखिए हमारा बहुत जो हमारे मनोज पांडे जी हैं मुख्य सचेतक, उनके सुपरविजन में अखिलेश यादव जी के आह्वान पर वो बहुत सिंपल शांत, ऐसा कुछ नहीं है, हम लोगों का बस एक मैसेज देना था कि सरकार कुछ का ध्यान आकर्षित करा के, ताकि हम नए सत्र में जो है 19 तारीख से बजट चलने जा रहा है उसमें भी हम उनको जगा सकें और इधर भी जगा सकें, एक मैसेज देना था उनको। तो ऐसा नहीं लग रहा बीजेपी जो है वो दबा रही आवाज को? अब वो तो आप खुद समझदार हैं, उसमें कुछ हमें बताने जरूरत है, इसका हिसाब तो जनता लेगी। जो तो 24 की अभी से तैयारी है आपकी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष क्या करेंगे ऐसा कुछ नहीं, हम तो इसौली से विधायक हैं, वहाँ की जनता खिदमत करेंगे, हमें कोई लालच नहीं है। नहीं, इसौली विधानसभा से आप हैं, जनता के मुद्दे हैं, आप मैदान में उतरे, तो आप ये नहीं कहना चाहेंगे कि बीजेपी पूरी तरीके से दमनकारी यानी दमन कर रही है? तो अब जनता हिसाब करेगी 24 में, करेगी कि सब आपके सामने दिखाई पड़ेगा, कुल मिला के 24 की तैयारी। अब वो ये ऐसा कुछ नहीं है, हम तो अभी हम लोग तो जनता का मुद्दा उठा रहे हैं, इसमें ऐसा कोई नहीं है, हम लोग कोई लालच से नहीं कर रहे हैं। आप लोग शांतिपूर्वक तरीके से निकल रहे थे तो पुलिस का रवैया आपके साथ कैसा? पुलिस का रवैया देखिए, मैं तो जो है सुबह 6:30 और 7 के बीच में उन्होंने घर पर नजर बंद कर दिया, किस तरीके से उनसे हमने रिक्वेस्ट किया कि भाई ठीक है आप हमको हमारे आवाज को दगा रहे हैं, हमको क्यों नहीं आने देते विधानसभा जो है, हमारी वहाँ बैठक है, हम लोग आपस में बात करेंगे, हम लोगों को अगर कुछ करेंगे। सुबह से ही पुलिस ने आपका हाउस अरेस्ट कर लिया, 6:30 से 7 के बीच में। तो कैसे निकल कर आए आप? फिर हम उनसे रिक्वेस्ट किए, उन्होंने फिर बहुत रिक्वेस्ट करने पे फिर ये यहाँ तक वो अपनी गाड़ी फोन की गाड़ी फोर्स के लगी थी और साथ साथ उनके एसओज हमारे साथ चल रहे आए और यहाँ यूको गार्डन में लाए, हम लोग बारिश में देख ही रहे क्या हाल है जो फूले में रखा गया है, मगर फिलहाल हम जनता की लड़ाई लड़ेंगे। आपके साथ सही था?
अब वो वहाँ तो फिर हाल यहाँ लोकल की बात अगर किया जाए अब हमारे उनके साथ नहीं ठीक था मनोज पांडे जी के साथ जो है, क्योंकि देखिए आप उनको खांसी खींचा गया और उनके हाथ में चोट भी आई है। तो इसके बाद कुछ बड़ा करने वाले हैं बस खाली यहीं से आप नहीं अभी तो कल जो भी पार्टी डर गए कौन डर गए हम लोग हाँ मतलब आज इस तरीके से पुलिस का बल देखकर हम लोग जो है डरने वाले नहीं, हम लोग कंटिन्यू संघर्ष करते रहेंगे जब तक सांस में सांस है। हम लोग समाजवादी पार्टी के लोग कार्यकर्ता लोग सब लोग गरीबों की लड़ाई जनता की लड़ाई नौजवानों की लड़ाई माओ बहनों की लड़ाई लड़ते रहेंगे। डरना होने कोई बात नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ जो है अभय प्रताप सिंह भी मौजूद है। अभय प्रताप सिंह जी क्या कहना चाहेंगे जो आज आप लोग प्रोटेस्ट करने यानी शांतिपूर्वक तरीके से निकले थे और पुलिस ने आपको लाकर लखनऊ के करने नहीं धरना देने के लिए चौधरी चरण सिंह जी की मूर्ति पे आज जो समाज में ज्वलंत मुद्दे हैं महंगाई बेरोजगारी भ्रष्टाचार और अनुपातिक आधार पर अस्पताल नहीं है मरीजों को इलाज की व्यवस्था नहीं है पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है उद्योग धंधे लग नहीं रहे हैं उसी के लिए हम लोग शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन करने के लिए और इससे जिम्मेदार लोगों को जगाने के लिए हम लोग आए थे जा रहे थे तो, विधान भवन में तो पुलिस ने आपको क्यों रोक लिया अब उसमें अब ये तो अच्छी बात है आप जनता के मुद्दे के लिए निकल रहे थे। यही तो लोकतंत्र की हत्या है पुलिस लोगों ने लोकतंत्र की हत्या की रोका और हम लोगों को लेकर के इको गार्डन में आ गए तो बस यहीं से मतलब आप रुक गए कि आगे भी कुछ बढ़ेंगे। अब ये तो जैसे हमारे जो दल की नीति होगी रणनीति होगी ये उस पर तय होगा आज जो था वो इतना ही था। अच्छा पुलिस का रवैया कैसा था आप लोगों के साथ में एक विधायक माननीय होकर आपके साथ पुलिस का रवैया कैसे था? हम विधायक और हमको विधान भवन जाने से रोकना कानून की हत्या है और संविधान की हत्या है। लेकिन जो भी कोई नौकरी कर रहा है विधायक है मतलब कोई सरकारी कर्मचारी है और संविधान और कानून की हत्या करे तो उसको तो नौकरी में रहने का भी हक नहीं है। नहीं बताया जा रहा था कि आप लोग के पास परमिशन नहीं है अभय प्रताप सिंह जी ये जाने का प्रदर्शन करने का। प्रदर्शन था ही नहीं प्रदर्शन तो था ही नहीं ना उसका रूप ही गलत है। शांतिपूर्ण धरना मात्र 21 लोगों का था। अच्छा राकेश प्रताप सिंह जो है काफी देर से जो है वो इधर उधर फोन पे बात कर रहे हैं। लड़का अनमय है अनमय की तबीयत खराब है उसको 16 करोड़ का इंजेक्शन लगना है जिसमें माननीय विधायक गौरीगंज श्री राकेश प्रताप सिंह जी आज वहां पे 21 लाख रुपए का चेक उसको डोनेट कर रहे हैं प्लस अपील भी कर रहे हैं जिससे उसके परिवार को काफी पैसा मिलेगा और जिसके इलाज में 16 करोड़ खर्च होना है अपील करने से और मदद करने से उसकी मदद से सबको मदद करना चाहिए। हमारी आप लोगों से अनुरोध अपील है और आपके चैनल के माध्यम से भी अपील है अनमय जो जिंदगी और मौत से जूझ रहा है उसकी आप लोग मदद करें पत्रकार मदद करेंगे और सब लोग मदद करेंगे तभी हो पाएगा। वो प्रेस क्लब ही जा रहे हैं वो प्रेस क्लब जा रहे हैं। पुलिस क्यों रोक रही काफी देर एक घंटा हो गया मैं देख रहा हूं। यहां पे डीसीपी एडीसीपी सब खड़े हैं उन्हें पूछ लीजिए ये तो वही बताएंगे। टूट गया देखो हमारा जी बिल्कुल टूट गया मोबाइल। तो देखिए राकेश प्रताप सिंह जो है काफी देर से अभिमन्य के लिए जो है वो तड़प रहे हैं। इनका कहना है कि मुझे जाने दिया जाए तो शायद हो सकता है उस बच्चे की जिंदगी में थोड़ा सा यानी मेरी तरफ से योगदान। और बारिश की अगर बात किया जाए तो देखिए झमझमा के बारिश हो रही है और बारिश जो है रुकने का नाम नहीं ले रहा है। लेकिन जिस तरीके से विधायकगण जो है वो समाजवादी कार्यालय से निकले थे और उन्हें जो है कुछ विधायकों को जो है तो सबसे पहले हाउस अरेस्ट कर लिया गया है जैसे रविदास मल्होत्रा हैं बहुत सारे ऐसे विधायकगण हैं जिन्हें हाउस अरेस्ट कर लिया गया है। लेकिन जो विधायक पहुंचे थे वो जब लखनऊ समाजवादी कार्यालय पहुंचे वहां से जब निकले तो जैसे ही निकले वैसे ही पुलिस बल जो है उनको लाकर इको गार्डन में ये देखिए छोड़ दिया है। ये आप चारों तरफ देख सकते हैं ये इको गार्डन की बाउंड्री है यहाँ पर ला के इन लोगों को छोड़ दिया है। और छोड़ने के साथ साथ मैं आपको बता दूं कि किस तरीके से यहाँ पर इन लोगों को रखा गया है। बारिश हो रहा है कोई इंतजाम नहीं है यानी ये माननीय विधायक हैं और प्रतिनिधि हैं ये चुनकर जो है पहुंचे हैं लेकिन इन लोगों को बारिश का सामना करना पड़ रहा है। अब ये देखना है कि पुलिस प्रशासन की तरफ से किस तरीके से इनके साथ व्यवहार किया जा रहा है। जुड़े रहे हमारे साथ देखते रहे 24 तक न्यूज़।